अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, आज हमारा सोशल स्टडीज़ का सेकंड टर्म का थर्ड लेक्चर है, लेसन नंबर 6, इलेक्ट्रिसिटी। आपकी बुक के पेजेस हैं 40 एंड 41। आज हमने चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिसिटी का बुक वर्क और कॉपी वर्क करना है। स्टूडेंट्स, ये आपकी सोशल स्टडीज़ की बुक है। Now open your books. This is your book page number 40 and 41. Students, आपकी book के page number 40 पर हमारा book work start हो रहा है। Assessment. Question A है, find a word in the word bank. आपने word find करना है इस word bank में से, that could be used एज अ डेफिनेशन इन द सेंटेंस बिलो। आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने वर्ड बैंक में से वो वर्ड फाइंड करना है जो कि इन सेंटेंसेस की डेफिनेशन आपको लगे के है। वर्ड बैंक में आपको वर्ड दिए गए हैं सोलर एनर्जी, बायोगैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। नंबर वन है, फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज एट होम, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। एनर्जी की वो किस्म जो आपके घरों में, बिजनेस में और इंडस्ट्रीज में, सनतों में इस्तेमाल होती है, वो कौन सी है? यहाँ पे आपको ब्लैंक दी गई है, आपने ये वर्ड बैंक आपको दिया गया, यहाँ से आपने देखना है। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिसिटी। आपने ब्लैंक में राइट करना है इलेक्ट्रिसिटी। ये देखें, फोर्थ वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर आपने राइट करना है। नेक्स्ट है नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग वाटर, बिजली जो पानी के ज़रिए या पानी को इस्तेमाल करते हुए प्रोड्यूस की जाती है। ब्लैंक में आपने राइट करना है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड नंबर 3, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आपने सेकंड ब्लैंक में राइट करना है। उसके बाद नंबर 3 है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय बर्निंग फ्यूल, वो इलेक्ट्रिसिटी या वो बिजली जो फ्यूल को जलाने से, ईंधन को जलाने से प्रोड्यूस होती है, बनती है, कौन सी है? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। आपने ब्लैंक में राइट करना है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ये देखें, लास्ट जो आपको वर्ड दिया गया है वर्ड बैंक में, फिफ्थ वाला वर्ड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड ब्लैंक में आपने राइट करना है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 4 है, यूजिंग सोलर पैनल, सोलर पैनल को इस्तेमाल करते हुए टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कौन सी? सोलर एनर्जी। देखें, फर्स्ट वर्ड दिया गया है आपको सोलर एनर्जी, यहाँ पर आपने ब्लैंक में राइट करना है सोलर एनर्जी। नंबर 5 है, कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू एनर्जी, ऑर्गेनिक मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करके जो बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? बायोगैस। ये देखें, ये सेकंड वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड बैंक में, बायोगैस, आपने यहाँ पे राइट करना है। स्टूडेंट्स, ए पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब हमने इसका बी पार्ट करना है। बी क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट आंसर, आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। पॉइंट नंबर 1 है, देयर आर डैश मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के डैश अहम ज़राए हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है 2, 3, 4, तो इसका राइट आंसर है 3। आपने 3 के ऊपर टिक करना है और यहाँ पर ब्लैंक में राइट करना है। नंबर 2 है, हाइड्रो मींस डैश, हाइड्रो का मतलब है डैश, फायर, वाटर, क्ले। हमने जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था हाइड्रो मींस वाटर, तो इसका राइट आंसर है वाटर। वाटर के ऊपर आपने टिक करना है और यहाँ पर ब्लैंक में भी राइट करना है। पॉइंट नंबर 3 है,
इन अ डैश पावर स्टेशन, पावर स्टेशन में, डैश पावर स्टेशन में फ्यूल्स ईंधन सच एज जैसे कि कोल कोयला, ऑयल और गैस, तेल या गैस आर बर्न्ड इन अ बॉयलर, बॉयलर में जलाई जाती है टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए या एनर्जी को बनाने के लिए। तो यहाँ पर डैश में क्या आएगा, न्यूक्लियर थर्मल हाइड्रो, तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपने यहाँ पर राइट करना है थर्मल, थर्मल के ऊपर आपने टिक करना है और इसको यहाँ पर ब्लैंक में राइट करना है। नंबर फोर है कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू एनर्जी, ऑर्गेनिक मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड, ऑर्गेनिक मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करने को कहते हैं डैश बायोगैस, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। आपने यहाँ पर बायोगैस को टिक करना है। अभी हमने ऊपर जो फिलिंग द ब्लैंक्स की हैं, एक क्वेश्चन किया है उसमें भी हमने ये पढ़ा, तो आपने यहाँ पर बायोगैस को टिक करना है और यहाँ पर ब्लैंक में राइट करना है। पॉइंट नंबर फाइव है डैश इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, डैश इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या बनती है यूजिंग वाटर, पानी को इस्तेमाल करते हुए, स्टोर इन डैम्स, डैम्स में महफूज करके। तो यहाँ पर आपको पता है कि पानी से कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, हाइड्रो। आपके पास तीन ऑप्शन थे, न्यूक्लियर हाइड्रो थर्मल, आपने हाइड्रो पे टिक करना है और यहाँ पर ब्लैंक में राइट भी करना है। स्टूडेंट्स हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, दिस इज योर बुक पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 पर सी क्वेश्चन है मैच द कॉलम्स, आपने कॉलम्स मैच करने हैं। कॉलम ए में आपके पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसी तरह से कॉलम बी में भी आपके पास कुछ वर्ड्स हैं। सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं कॉलम ए वाले वर्ड्स की। कॉलम ए में वर्ड्स लिखे गए हैं, आपने सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग कर लेनी है 1, 2, 3, 4, 5, जैसे मैंने यहाँ पे साइड पे नंबरिंग की है। नंबर वन वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, नंबर टू है हाइड्रो, नंबर थ्री है सोलर एनर्जी। यहाँ पर गलती से सोलर इलेक्ट्रिसिटी लिखा गया है, आपने इलेक्ट्रिसिटी को कट करके एनर्जी लिख देना है। एनर्जी की स्पेलिंग है ई एन ई आर जी वाई, एनर्जी। पॉइंट नंबर थ्री है सोलर एनर्जी, नंबर फोर है विंड, नंबर फाइव है बायोगैस। उसी तरह से कॉलम बी में हमारे पास वर्ड्स लिखे वर्ड्स है, पहला वर्ड है सनलाइट, नेक्स्ट है एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, थर्ड वर्ड है फॉर्म ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट है वाटर और लास्ट वर्ड है काइनेटिक एनर्जी। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की एक किस्म है, मींस फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर देखें ये थर्ड पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका आंसर है यहाँ पर आप लिख देंगे वन, फर्स्ट वाले का आंसर है फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ पर आप लिखेंगे वन। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रो, आपको पता है हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हमने अभी बुक वर्क में भी किया है, उसके अलावा हमने चैप्टर की रीडिंग में भी पढ़ा था, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर, आपने यहाँ पर लिख देना है टू, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी, आपको पता है सोलर एनर्जी सनलाइट से बनती है, तो यहाँ पर देखें फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ था सनलाइट, यहाँ पर आपने लिख देना है थ्री, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने लिखा है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है विंड, विंड यहाँ पर देखें यहाँ पर लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी, ये इसका आंसर है फोर, यहाँ पर आप फोर लिखेंगे। बायोगैस, अब यहाँ पर सारे फिल हो गए हैं, ये रह गया है एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, आपको पता है वेस्ट से या वेस्ट को यूज करते हुए जो एनर्जी बनती है उसे कहते हैं बायोगैस, ये आपका आंसर है। यहाँ पर आपने फाइव लिखना है, आपके आंसर्स कुछ इस तरह से हैं 3, 5, 1, 2 एंड 4। स्टूडेंट्स आपका सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स पेज नंबर 41 पर ही आपका क्वेश्चन डी है, आंसर द गिवन क्वेश्चंस, आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने उनके आंसर देने हैं।
ये आपका कॉपी वर्क है जो हम आपकी नोटबुक पर करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक के पेजेस हैं, पेज नंबर 40 और 41। इन पेजेस का हमने बुक वर्क किया है, ए पार्ट किया है, बी पार्ट किया है और सी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिसिटी का बुक वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। डी पार्ट इसका कॉपी वर्क है, वो हम अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमने अपना कॉपी वर्क करना है। नाउ ओपन योर नोटबुक्स। आपने अपनी कॉपी का पेज बिल्कुल वैसे ही रेडी करना है जैसे आप क्लास में करते हैं। सबसे पहले डेट मेंशन करें जिस डेट पे आप काम कर रहे हैं। सी वर्क लिखें, डे मेंशन करें। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉपी वर्क। सबसे पहले आपने लिखना है लेसन नंबर 6 इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने लिखा है आपने बिल्कुल वैसे ही राइट करना है। उसके बाद ये हमारा डी पार्ट था, डी क्वेश्चन था हमारा, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है या बिजली क्या है, आंसर राइट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेज। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की ही एक किस्म है जो कि बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है उसका आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड करते हैं इसको। व्हाट आर दी मेन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के मेन सोर्सेज या अहम ज़राए कौन से हैं, वो राइट करने हैं आपने। आंसर है द मेन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान आर। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के अहम ज़राए हैं, नंबर 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 2 थर्मल इलेक्ट्रिसिटी एंड नंबर 3 न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे बनती है, ये राइट करना है हमने। आंसर है हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो का मतलब है पानी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग वाटर स्टोर इन डैम्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है या बनाई जाती है यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए वाटर पानी को स्टोर इन डैम्स, डैम्स में महफूज करके, यानी पानी को डैम्स में महफूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है, आंसर है सोलर एनर्जी इज द मोस्ट अबंडेंट एनर्जी सोर्स ऑन द अर्थ। अर्थ पर यानी कि हमारी ज़मीन पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का ज़रिया है वो सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी फ्रॉम सन। सोलर एनर्जी वो एनर्जी है जो हम सूरज से हासिल करते हैं, उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी हम सोलर पैनल्स को यूज़ करते हुए हासिल करते हैं। सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं, उससे हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इस्तेमालात आपने लिखने हैं। उन्होंने पूछा है कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इस्तेमालात या उसके इस्तेमालात क्या हैं। आपने यहाँ पर लिखना है कि आप कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अपनी डेली लाइफ में। आंसर है
आवर हाउस होल्ड अप्लायंसेज रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. हमारे घरों में जो अप्लायंसेज हैं वो सारी जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, बिजली से चलती हैं. जैसे कि अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी अप्लायंसेज हैं हमारी हाउस होल्ड अप्लायंसेज. वी वॉच टेलीविजन, हम टीवी देखते हैं. यूज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं. ब्लेंड फूड, फूड को ब्लेंड करते हैं. इन द किचन, किचन में. उसके अलावा पंप वाटर एंड ट्रैवल ऑन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स. ये सारी चीज़ें किससे चलती हैं? बिजली से चलती हैं. इन्हें हम चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं. ये आपका कंप्लीट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का. चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिसिटी के टोटल हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं. हमारा कॉपी वर्क भी कंप्लीट हो चुका है. स्टूडेंट्स, ये है हमारा लेसन नंबर 6 इलेक्ट्रिसिटी. पिछले लेक्चर में हमने इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन की थी. आज के लेक्चर में हमने इसका बुक वर्क किया है, कॉपी वर्क किया है. ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. आपने इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है, उसको समझना है अच्छे से, फिर उसका बुक वर्क भी अच्छे से लर्न करना है आपने, फिर आपने कॉपी वर्क करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है. इस चैप्टर को अच्छे से आपने याद करना है. उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. शुक्रिया स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.